बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं मनीष पांडे जी। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। हाँ नमस्ते नमस्ते जी। मनीष जी देखिए अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे शिक्षा का अभ्यर्थी, इनका साफ कहना है कि जो फैसला लिया गया है कैबिनेट की बैठक में ये फैसला बहुत गलत है। शिक्षक नियमावली में जो बदलाव किया गया बाहरी अभ्यर्थियों को एंट्री देना, बिहार के लोगों को तो आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, बाहरी लोगों की एंट्री आपने और करा दी, ये तो मुसीबत बढ़ा दी आपने, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए ये पहले दिन से ही सरकार की मंशा बहुत खराब रही है। यह सरकार जो है यह कंप्लीट पूरी तरीके से चाहती ही नहीं है कि यहाँ के युवाओं का भला हो और खास करके जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं। पता नहीं किस बात का बदला नीतीश जी लेना चाहते हैं इन लोगों से। मुझे याद है कि जब किसी जमाने में काला गमछा लेके जब नीतीश जी का विरोध होता था पिछली बार में, तो नीतीश जी मन से धमकी देते थे कि तुम लोग को बर्बाद कर देंगे। अब पता नहीं किस प्रकार का इनका चिढ़ है, लगातार ये जो है नियमावली में बदलाव पर बदलाव लाके और ये देखिए पूरी तरीके से 24 और 25 पार करना चाहते हैं। वो इनका अपना तो मनीष जी क्या ये कहा जाए कि 24 के धुन में इतने ज्यादा खो गए हैं कि राज्य के जो बच्चे हैं जिनका भविष्य खराब हो रहा है, जो अब तक इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि शायद अब हमें नौकरी मिल जाए, शायद सरकार हमारी बात पर विचार करे, 2024 के लिए इतने अंधे हो गए हैं कि सब कुछ भूल बैठे? भाई इनको तो पता भी नहीं होगा, सच पूछिएगा तो ये तो एक इनका किचन कैबिनेट है, उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तय कर रहे हैं कि क्या करना है, नियमावली में क्या रखना है और क्या हटाना है। नीतीश जी को और तेजस्वी जी को फुर्सत कहाँ है? शिक्षा मंत्री तो रामचरितमानस पे शोध कर रहे हैं। हाँ। और नीतीश जी और तेजस्वी जी को फुर्सत कहाँ है इन सब बातों को देखने का? ये सारा जो है पितम्बा और साजिश, उनके जो किचन कैबिनेट में कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब लोग मिलके ये सारा तांडव कर रहे हैं। अच्छा मनीष जी ये भी बताइए आप कि क्या लगता है कि अगर ठीक है ये एक राजनीतिक स्टंट भी है तो क्या 2024 में इसका लाभ मिलेगा कुछ विपक्ष को? भाई बात लाभ और नुकसान का, हर बात को लाभ और नुकसान से नहीं देखा जाना चाहिए। चार साल से जो वादा हम लोग एनडीए में थे तब या आप हटने के बाद नीतीश जी यहाँ के शिक्षक अभ्यर्थियों से कर रहे थे, कम से कम उस वादा को तो पूरा कर देते, क्रेडिट वही लूट ले जाते, कोई दिक्कत नहीं था। हर चीज को राजनीतिक नफा नुकसान से नहीं देखना चाहिए। हमारा मत है कि नीतीश जी की ही जय का जयकार हो, लेकिन कम से कम सातवें चरण की जो पुराने नियमावली के आधार पर जो अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति थी वह कम से कम पूरा कर ले। इसमें जो वो साजिश रची जा रही है नई नियमावली के तहत वह बहुत निंदनीय और घृणित कार्य।